वैश्विक महामारी कोरोना कोविड 19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा नलखेड़ा में मां बंगला मुखी मंदिर में भी बंद किया गया था, जिसके चलते पिछले 10 माह से मंदिर परिसर में हवन पूजन एवं अनुष्ठान आदि का कार्य पूर्ण रूप से बंद है, जिसके कारण हम समस्त पंडितगण व पुरोहितगण की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और हम पंडितगण बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण हमें अपना परिवार का पालन पोषण करने में मुश्किल हो रही है अथवा गर्भगृह नहीं चालू होने की वजह से बाहर से आए दर्शनार्थी गर्भगृह में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और प्रवेश निषेध कर दिया गया है। अतः हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द गर्भगृह खुलवाने के लिए कलेक्टर श्रीमान अवधेश शर्मा को ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण कराया जाएगा। फिलहाल कलेक्टर में आए हुए हैं, यहाँ सारे बगलमुखी माता मंदिर नलखेड़ा से महंत आए हुए हैं, पंडित जी आए हुए हैं, तो अभी अपनी पीड़ा लेके यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं। अब आप इनके मुँह सुनिए क्या आखिर इनकी पीड़ा है। मेरा नाम है पंडित अक्षय शर्मा, बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा से सारे मित्र मंडली के साथ में हम कलेक्टर ऑफिस आगर में पधारे हैं। हमारी ये सुनवाई के लिए आए हैं कि जब से कोरोना काल चला 22 मार्च से बगलामुखी मंदिर में दर्शन हवन पूजन इत्यादि कार्य बंद प्रतिबंध किए गए थे, लेकिन 8 जून से मंदिर में दर्शन की अनुमति प्रदान की गई थी। उसी काल को हम देखते हुए 7-8 महीने उस चीज़ को हो गए, अभी तक मंदिर में हवन पूजन स्टार्ट नहीं हुए। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मंदिर है वहाँ पर सारी इत्यादि पूजन पाठ की विधियाँ जो है प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कि हम उज्जैन में जाते हैं तो उज्जैन में भी दर्शन वगैरह अभिषेक वगैरह सब स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध जो बगलामुखी माता का मंदिर है यहाँ पर अभी तक हवन पूजन स्टार्ट नहीं हुए। अच्छा, अभी वहाँ का गर्भगृह खुल गया? नहीं, गर्भगृह भी अभी बंद है, बाहर से दर्शन हो रहे सभी। तो हम चाहते हैं कि गर्भगृह में भी दर्शन हुए और वहाँ पर हवन पूजन प्रारंभ हो, ताकि जो भी ब्राह्मण युक्त लोग वहाँ पर रहे उनकी जीविका जो सुचारू रूप से चले, क्योंकि हम सब मंदिर पे ही निर्भर रहते हैं, यजमान आते हवन पूजन करते, इससे हमारी जीविका चलती है। तो इसी ज्ञापन को लेकर हम कलेक्टर ऑफिस आगर में आए हैं और यहाँ पर कलेक्टर महोदय को सारी विप्र मंडली ने आवेदन प्रस्तुत किया है और आशा करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वो हमारी सुनवाई करें और बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन गर्भगृह में दर्शन प्रारंभ करें, इसी उद्देश्य से। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगरमालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।